इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला बैंगलोर शहर, जिसे आज हम एंटरप्रेन्योरशिप और टेक से जानते हैं, पर करीब 25 साल पहले यहाँ फैला एक ऐसा आदमी का खौफ था जिसने बैंगलोर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक डर का माहौल बना दिया था। ये वो आदमी था जिसकी वजह से औरतें अपने घर से नहीं निकल पाती थीं। ये वो आदमी था जिसकी वजह से बैंगलोर और कर्नाटका के घरों के दरवाजों पर ग्रिल्स लगने शुरू हो गए थे। ये वो आदमी था जिसके 20 से भी ज्यादा मर्डर और रेप केसेस ने विमेन सेफ्टी और पुलिस प्रशासन की काबिलियत पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। ये आदमी था द बैंगलोर सीरियल किलर उमेश रेड्डी। December 1996, कर्नाटका के चित्रदुर्गा शहर में शाम के 7 बजे के आसपास एक 17 साल की लड़की अपने पिता के साथ घर जा रही थी। सूरज ढल चुका था और वहां ज्यादा घरों के ना होने की वजह से शाम के बाद सन्नाटा छाया था। उसके पिता को किसी दुकान से कुछ सामान लेना था तो उन्होंने उसे आगे जाने को कहा। चलते चलते अचानक उस लड़की की नजर पड़ती है एक टोपी पहने मिस्टीरियस आदमी की, जो उसकी तरफ चलकर आ रहा था। जैसे जैसे वो आदमी नजदीक आ रहा था, उस लड़की की धड़कनें तेज हो रही थी, पर उस लड़की को राहत की सांस आई जब वो आदमी बस उसके पास से चुपचाप गुजर गया। कुछ समय बाद अचानक उसे फील हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही टोपी वाला आदमी था, लेकिन इस बार उस लड़की की धड़कनों के साथ उसके कदम भी तेज होने लगे, पर वो आदमी भी रुकने वाला नहीं था। वो उसी रफ्तार से उस लड़की के पीछे पीछे चला आ रहा था। खौफ में आकर उस लड़की ने भागना शुरू किया। उसे भागता देख वो आदमी भी भागने लगा और देखते ही देखते वो उसके करीब पहुंच चुका था। खुद को बहुत चालाक समझती हो, क्या लगा था मुझसे बच जाओगी, ये कहकर वो टोपी वाला आदमी उसके ऊपर चढ़कर उसके गले की नली दबाए हुए था ताकि वो चीख ना पाए। धीरे ही धीरे उस आदमी का जोर बढ़ते जा रहा था और वो उसके करीब आ रहा था, इतना कि उस लड़की को अब उसकी सांसें महसूस होने लगी थी। उस लड़की ने अपना पूरा जोर लगा के उसे धक्का मारने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। लेकिन इस चक्कर में उसकी टोपी उतर गई और लड़की ने उसका चेहरा देख लिया। इतने में उस आदमी को पीछे से एक पत्थर लगता है। उस लड़की के पिता अपनी बेटी को बचाने पहुंच चुके थे। अपने पिता को देखकर उस लड़की में बहादुरी की लहर दौड़ पड़ी और उसके हाथ पड़ा एक पत्थर जो उसने उस आदमी के मुंह दे मारा और उसे अपने ऊपर से गिरा दिया। अपनी जान बचाकर वो आदमी जैसे तैसे वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ। उसे क्या पता था कि उसकी ये एक गलती उसे भारी पड़ने वाली थी। ये कहानी थी गीता की, जिसकी वजह से बैंगलोर के सबसे बड़े सीरियल किलर का घिनौना सच सबके सामने आया था और उसे पहली बार अरेस्ट किया गया था। उस दरिंदे का नाम था उमेश रेड्डी, पर ये उमेश का पहला क्राइम नहीं था। चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के बसप्पा मलिगे गांव में पैदा होने वाला उमेश रेड्डी बचपन से ही चोरी की हरकतें किया करता था। गांव वालों के क्रॉप्स चुराना, रात में उनकी बकरियां चुराकर उन्हें बेच आना, स्कूल में स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली लड़कियों की स्टेशनरी चुराना, ये सब उमेश के लिए आम बातें थी। इसी के चलते गाँव में बात फैल गई कि उमेश रेड्डी चोर है, और इसके पहले कि गांव वाले कोई एक्शन ले पाते, उमेश गांव से भाग गया। गांव से भागने के कुछ समय बाद उसने जम्मू कश्मीर में CRPF ज्वाइन की, जिसके चलते उसे एक कमांडर के घर की गार्ड ड्यूटी मिली, पर उसने उसी कमांडर की बेटी का रेप करने की कोशिश की। ये उमेश का पहला फीमेल असॉल्ट था, एटलीस्ट रिकॉर्ड्स में। यहां से पकड़े जाने के डर से उमेश फिर भाग निकला। सितंबर 1996 में वो पहुंचा चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के कैपिटल सिटी में। यहां वो DAR यानी डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व
में भर्ती हुआ। डीएआर को उस समय पुलिस जैसा ही दर्जा दिया जाता था। बैकग्राउंड चेक्स सही से ना होने की वजह से उसे इजीली डीएआर में एंट्री मिल गई और यहीं से उमेश की दरिंदगी की शुरुआत हुई। आने के 2 महीनों बाद ही उमेश ने अपना पहला हमला किया। उसकी शिकार बनी दिव्या, जिसे घर जाते समय उमेश ने दबोचा, उसके गहने चुराए और उसे नंगा करके वहीं छोड़ दिया। दिव्या ने अपनी इज्जत बचाने की सोचकर कोई कंप्लेन फाइल नहीं की और पुलिस ने भी इसे आम रॉबरी का केस समझकर इग्नोर कर दिया। 1 महीने के अंदर अंदर उस शहर में एक भयानक मर्डर हुआ, एक माइनर लड़की पल्लवी का। उसका रेप करके उसे जान से मार दिया गया और बिना कपड़ों की हालत में उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया गया। पल्लवी के केस ने उस शहर के हर इंसान में एक खौफ पैदा कर दिया था। जब पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें एक पैटर्न मिला, जिससे उन्हें पता चला कि सिर्फ 2 दिन पहले ही ऐसा हमला एक और लड़की गीता पर हुआ था, पर उसने भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। 22 जनवरी को चित्रदुर्गा में रिपब्लिक डे परेड की प्रैक्टिस शुरू होती है। उस पहली प्रैक्टिस के दिन वो लड़की भी वहीं थी। प्रैक्टिस के दौरान उसकी नज़र पड़ी कुछ लोगों पर जो ग्राउंड की मार्किंग कर रहे थे, लेकिन जब उस लड़की ने ध्यान से देखा तो उसकी सांसें वहीं रुक गई। वो लड़का जिसने उस पर उस रात हमला किया था, वो लड़का उसी आँखों के सामने था, पर एक वर्दी में। उस लड़की पर हमला करने वाला एक पुलिस वाला था। पुलिस छानबीन कर रही थी और उनके कहने पर फाइनली गीता ने उमेश के बारे में उन्हें बताया। डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व का कैंडिडेट बीए उमेश रेड्डी, खाकी वर्दी में छुपा हुआ एक जानवर जिससे हर कोई अनजान था, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका था और गीता के थ्रू ही उमेश पकड़ा गया। उस समय उस पर पल्लवी की मौत के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं था और गीता का सिर्फ अटेम्प्टेड रेप चार्ज था, जिसके लिए तब बेल मिलना इजी हुआ करता था। उमेश को आसानी से बेल मिली और जेल से निकलते ही उमेश फरार हो गया। 1997 से 2002 के बीच उमेश को 5 बार पुलिस ने अरेस्ट किया और हर बार वो पुलिस के कब्जे से छूटकर भाग जाता। उमेश के काम करने का तरीका बहुत शातिर था। वो हमेशा सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच औरतों पर हमले करता, क्योंकि उसे पता था उस समय घर में कोई मर्द नहीं होता। वो औरतों के दरवाजों पर दस्तक देता, केबल वाला, टेलीफोन वाला, बैंकर या एड्रेस पूछने के बहाने जबरदस्ती घर में घुसता और उन्हें असॉल्ट करता। उमेश पुलिस के काम करने के तरीकों को जानता था, इसीलिए वो अपने क्राइम सीन्स को ऐसे छोड़कर जाता जैसे वो असॉल्ट नहीं प्लेन रॉबरी लगे। पर एक चीज थी जो उमेश हमेशा चुराता था, फीमेल अंडरगार्मेंट्स। इन 5 सालों में पुलिस ने 4 बार उसके अलग अलग घरों और ठिकानों पर छापा मारा तो उन्हें बड़ी बड़ी बोरियां भर के लेडीज अंडरगार्मेंट्स मिले थे। उमेश एक ट्रांसवेस्टाइट था जो क्रॉस ड्रेसिंग यानी लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद करता था। उसका कहना था कि वो उन्हें पहनकर सो जाया करता था और उन्हें पहनकर मास्टरबेट किया करता था। अंडरगार्मेंट्स के साथ साथ पुलिस को हर जगह सोने और चांदी की चीजें, जेवर और कैश भी मिला था। पर ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि वो पुलिस की पकड़ से बार बार छूट जाता था। वो इतना शातिर था कि हर बार जब भी उसे कहीं ट्रांसफर किया जाने वाला होता था, वो कुछ ना कुछ बहाना बना लेता और मौका पाते ही भाग लेता था। पहली बार जब उसे जेल ट्रांसफर किया जा रहा था, तब उसने नेचर्स कॉल अटेंड करने का बहाना दिया और जंजीरों से बंधा होने के बाद भी भाग निकला। उसके कई पैंथरे फेल भी हुए। एक बार उसने चलती ट्रक में अपना पैंट उतारा और एक कांस्टेबल जिसने उसे पकड़ रखा था उसके पैर पर उसने टॉयलेट कर दिया, ये सोचकर कि घिन आने पर कांस्टेबल उसे 1 सेकंड के लिए छोड़ देगा और वो मौके का फायदा उठाकर भाग निकलेगा। पर उसकी ये तरकीब नाकामयाब रही क्योंकि कांस्टेबल ने उसे पकड़े रखा। वो अपनी जान बचाकर भागने के लिए
कुछ भी कर सकता था। एक बार एंकल में फ्रैक्चर होने की वजह से उसके पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था। उसने अपना पुराना नेचर्स कॉल वाला बहाना दिया और मौका पाते ही टूटी टांग वाली हालत में भी वो वहां से भाग निकला। उसकी हरकतों से ये समझ आता है कि वो एक सेडिस्ट था जिसे लोगों को तकलीफ देने में मजा आता था। यूजुअली ऐसे लोगों की इमोशनल आईक्यू हाई होती है, मतलब वो लोगों के इमोशनल स्टेट को बहुत इजीली समझ और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए उमेश को ये समझ आ जाता था कि कौन सा पुलिस वाला उसके जाल में फंस सकता है। उमेश के क्राइम करने का भी एक पैटर्न था। वो हमला करने के बाद सबसे पहले अपने विक्टिम को साइलेंस करने की कोशिश करता था, चाहे वो मुंह बंद करके हो या गला घोटकर। उमेश के कई विक्टिम्स की मौत स्मदरिंग यानी सांस बंद होने से हुई थी, चाहे वो साड़ी हो या साइकिल की चेन। उमेश अलग अलग चीजों को यूज करके अपने विक्टिम्स को स्मदर किया करता था। इसी के साथ उसका हर क्राइम वायलेंट होता था। चित्रदुर्गा में जब दिव्या पे उसने हमला किया तब उसके इयररिंग्स कानों से खोलकर नहीं खींचकर निकाले, जिससे उसके ईयर लोब्स फट गए और उसके कई विक्टिम्स पर अलग अलग जगह बाइट मार्क्स भी पाए गए थे, पर्टिकुलरली इनर लिप्स पर। वो सिर्फ अपने विक्टिम्स को डराना नहीं चाहता था बल्कि उन्हें एक दर्द का एहसास देना चाहता था। और जाते जाते वो हमेशा अपने विक्टिम्स को बिना कपड़ों के छोड़कर चला जाता ताकि अपनी इज्जत के डर से वो चिल्ला भी ना पाए और उसे चुपचाप निकल जाने का मौका मिले। इस सब का उसके बचपन से कुछ लेना देना हो सकता है। सीरियल किलर्स पर जितनी स्टडीज हुई हैं, उनमें से मेजॉरिटी में ये पाया गया है कि सीरियल किलर्स में नेगेटिव और वायलेंट टेंडेंसीज बचपन से शुरू होने लगती हैं, अपने फैमिली या सोशल रिलेशंस की वजह से। उमेश बचपन से खुद को बाकी बच्चों से दूर रखता था और उसके पिता एक शराबी थे। वो उसे कभी उसकी गलतियों के लिए सजा नहीं देते थे बल्कि उसे लिव इन द मोमेंट का लेसन दिया करते थे। शायद यहीं से उमेश को इनकरेजमेंट मिलने लगी थी। इसी के चलते उमेश ने बैंगलोर और पूरे कर्नाटका स्टेट पर ऐसा खौफ फैलाया कि उसके डर से महिलाओं का घर से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। औरतों ने काम पर जाना बंद कर दिया, लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि जिन गाँव में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे और लेडीज को खुले में जाना पड़ता था, वो वहाँ जाने से भी डरती थी कि कहीं उमेश झाड़ियों से निकलकर उन पे हमला ना कर दे। एक आदमी ने पूरे स्टेट पर इतना खौफ फैलाया कि उसकी कहानियाँ बनने लगी। इन्हीं कहानियों के डर से बैंगलोर के घरों में दरवाजों पर ग्रिल्स लगने का कल्चर शुरू हुआ। हर औरत अपनी इज्जत और अपनी जान खोने के डर में जीती थी। और फाइनली 17 मई 2002 में उमेश रेड्डी को आखिरी बार अरेस्ट किया गया। उसे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो पुलिस को पोक करने पुलिस स्टेशन के सामने वाले सलोन पर दाढ़ी कटवाने आया था। पर यही ओवर कॉन्फिडेंस उमेश को भारी पड़ा जब उसे एक रिक्शा वाले ने पहचान लिया और पुलिस को खबर कर दी। पकड़े जाने के बाद भी उमेश कई तरकीबें अपनाता रहा। उसने मेंटली अनस्टेबल होने की एक्टिंग की ये कहकर कि उसने कुछ नहीं किया। वो तो एक पुलिस वाला बनना चाहता था लेकिन पुलिस ने जानबूझकर उस पर नकली इल्ज़ाम लगाकर उसे क्रिमिनल बना दिया। वो चाहता था कि इस बहाने से उसके कई क्राइम्स माफ हो जाएं। कोर्ट में उसे 9 क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया गया जिसमें से सिर्फ 3 में वो गिल्टी प्रूव हो पाया। इवन दो कुछ टाइम बाद उसने कन्फेस किया था कि उसने 18 से भी ज़्यादा औरतों का रेप और मर्डर किया है। ही वॉज प्रूवन गिल्टी इन द केसेज ऑफ संध्या, जयश्री एंड नित्या, जिसमें से संध्या और नित्या के केस में उसे 4 और 7 साल की सजा हुई लेकिन जयश्री के रेप और मर्डर के लिए उसे डेथ सेंटेंस सुनाई गई। पर क्या ये जस्टिस इनफ था? पुलिस में रहने वाला एक आदमी मल्टीपल क्राइम्स करता है, पकड़े जाने के बाद 4 बार पुलिस के हाथों से भाग निकलता है, वो भी ऑलमोस्ट सेम टैक्टिक्स यूज करके। 18+ क्राइम्स करने के बाद भी उसे सिर्फ 9 केसेस में कन्विक्ट किया जाता है जिसमें से उसे सजा सिर्फ 3 के लिए होती है।
एज ऑफ नवंबर 2022 उमेश की डेथ सेंटेंस को कम करके 30 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है। उमेश की कहानी फीमेल सेफ्टी और उससे भी ज़्यादा हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करती है। इस पूरी कहानी में अलग अलग स्टेजेस पर पुलिस की इनकॉम्पिटेंस सामने आती है। रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने उमेश की कहानी पर एक डॉक्यू सीरीज बनाई है जिसका नाम है द बीस्ट ऑफ बेंगलोर। इस सब से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या उमेश रेड्डी को रोका जा सकता था, और रैदर क्या उमेश रेड्डी के सीरियल किलर बनने में कानून का हाथ था। आप अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही और खौफनाक किस्से और दिल दहलाने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।